नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया हुआ हूं, जिसका नाम है जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे जो लीडर है, बहुत सारे नेताओं का मैंने इंटरव्यू ले चुका हूं। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, नेता हैं छतरपुर एरिया के, मैं नरेश त्यागी जी के मैं ऑफिस में हूँ और आज मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ कि सर, ये जो नरेश त्यागी जी एमसीडी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि वो इस क्षेत्र के लिए कैसे विकास कार्य करेंगे, कैसे यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है, जो जनता का बहुत सारी समस्या है, उसका वो निदान करेंगे। तो चलिए, मैं नरेश त्यागी जी से मैं बात करता हूं। नरेश जी, आपका हमारे चैनल में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताए कि जहां तक मुझे जानकारी मिली कि आप सर एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रहे, तो क्या ये सच है? जी देखिए, 2017 में भी लास्ट टाइम हमने एमसीडी चुनाव फाइट किया था आम आदमी पार्टी से। मेरी मिसेज पिंकी त्यागी यहाँ से कैंडिडेट थी आम आदमी पार्टी से, तो तब भी आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली में इस सीट की चर्चा रही थी। मात्र 2 वोट से हमको ये चुनाव हरा दिया गया था, जबकि पहले चुनाव जीत डिक्लेयर हो गई थी 31 वोट से। उसके बाद रिकाउंटिंग की प्रक्रिया चली, कुछ अपनी ताकत का दुरुपयोग किया गया बीजेपी के द्वारा, और उसके बाद हमें ये चुनाव हराया गया था। उसके लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष चला। तो आज इस 5 वर्ष के बाद हम क्या तैयारी कर रहे हैं, पूरा छतरपुर वार्ड मिलकर इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो 5 साल पहले जो एक बहुत ही कृतज्ञ हुआ था, उसका जवाब देने के लिए आज पूरे छतरपुर वार्ड की जनता तैयार है। सर, वैसे तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे दावेदारी तो बहुत सारे लोगों की है, जैसे कि अभी आपके जो पिछले दिनों में क्या है कि पंजाब के जीत के उपलक्ष में आपके पार्टी के द्वारा दिल्ली के 270 विधानसभा में एक बाइक रैली भी निकाली गई थी, और अभी शायद आप लोगों का हर वार्ड में एक जनसंवाद कार्यक्रम भी चल रहा है, जैसे कि गोपाल राय जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। तो उस दौरान मैंने आपके महरौली में देखा, एक कार्यक्रम मैंने आपका कवर किया था, एक कार्यक्रम मैंने अनिल त्यागी जी का भी किया था। तो उस समय मैं देखा कि आपके यहाँ 2 रैलियां निकाली गई थी सर, जिसके लिए आपने मुझे आपने वहां पर कहा भी था कि ये रैली एक है, पर जहां तक मेरी समझ में आ रहा है को एक, मुझे तो नहीं लगा कि सर वो रैली एक है, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूं कि आपके जो विधायक जी थे वहां पे थे, और आपके जो जिला अध्यक्ष है वो वहां पे थे, और भी कुछ लोग थे वहां पे। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे, जो और लोग जो उम्मीदवार है, जो मैदान में अपने दौड़ में इस दौड़ में शामिल है? देखिए, ये हमारा जो था पार्टी का प्रोग्राम था, पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं पर, 272 वार्डों पर, हर जगह अलग अलग समय में एक साथ भी, ये यहाँ पर एक तरह का एमसीडी में बदलाव यात्रा के लिए, जो आपने बताया हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, इसके लिए ये हमें सभी को, पूरी दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी के लिए ये एक आदेश था कि इस तरह का जगह जगह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीडी के बदलाव यात्रा जो हमने एक चलाई थी, तो ये एमसीडी बदलाव यात्रा थी। ये कोई 2 वाली या 3 वाली बात नहीं थी। आपने देखा होगा, एक दिन पहले सैदलाजाब में निकल रही थी, उससे अगले दिन आयनगर में निकल रही थी, उससे अगले दिन वहाँ पर भाटी वार्ड में निकल रही थी, छतरपुर में निकल रही। तो ये अलग अलग जगह जाकर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर जगह अपने अपने क्षेत्र में एमसीडी बदलाव की एक यात्रा निकाल रहे थे, ये वही यात्रा थी। तो उसमें चाहे अगर हम कार्यकर्ता होते तो हम भी निकाल सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कार्यकर्ता हैं, आप भी एमसीडी बदलाव की यात्रा के लिए, जो एक आम आदमी पार्टी का वो था कि 15 साल से भाजपा ने जो पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर डाल दिया है, पूरी दिल्ली को एक नरक बनाकर डाल दिया, राजधानी की को जो है सिर्फ कूड़े की राजधानी बनाकर डाल दिया है, उसके विरोध में एमसीडी बदलाव के लिए जो यात्रा निकाली गई थी वो यात्रा थी, जो कि पूरी दिल्ली में ही अलग अलग जगह पर निकल रही थी। सर, अभी आपने कहा कि भाजपा पिंदरे पिछले 15 सालों से जो दिल्ली का कूड़े का ढेर या कूड़े की नगरी बना दिया, लेकिन अभी देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सर दौर चल रहा है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। आपने बताया 15 साल से कूड़े का ढेर बना, भाजपा कह रही है कि आम आदमी सरकार जो एक तरफ पंजाब में कहती है कि नशा मुक्त करेंगे,
पंजाब के लोगों को नशा से छुटकारा दिलाएंगे, दूसरी तरफ दिल्ली को नशा की राजधानी बनाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो इसके बारे में सर क्या बोलेंगे आप? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको ये बताऊं। देखिए आरोप प्रत्यारोप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि आपसे मैं ये भी चाहूंगा कि आप यहां से निकलकर क्षेत्र में जाना और आप अंबेडकर कॉलोनी ए ब्लॉक में जाना, वहां पर ए ब्लॉक के सामने छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर अभी एक शराब का ठेका खुला है, ठीक है, वो सरकार वो जो है एक सरकारी वो है प्रक्रिया, लेकिन उसके रोड के इस तरफ ही आप जैसे ही पहुंचेंगे, या उसके अलावा मैं आपको छतरपुर में और 20 ऐसी जगह बताऊंगा जो कॉलोनियों के अंदर हैं, जहां पर सरेआम कॉलोनियों के अंदर शराब बेची जा रही है और नशे वाली मतलब जहरीली इंजेक्शन वाली शराब बेची जा रही है, जिसके अंदर पिछले 5 वर्ष में, मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता, मैं छतरपुर की बात कर रहा हूं, पिछले 5 वर्षों के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा नौजवान उस शराब को पीकर मर चुके हैं, अलग अलग बिरादरी के, सभी 36 बिरादरियों की बात कर रहा हूं मैं। इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी मुहिम मैंने उस शराब के खिलाफ पता नहीं कितनी बार चलाई है, आज तक भाजपा के जो निगम पार्षद हैं या भाजपा के जो नेता हैं, आप एक सिंगल बता दो किसी को यह भी पता हो कि ऐसी कोई डेथ हुई है, ये किसी के घर पर रोने भी गए हो। यहां पर नशे का इतना बड़ा कारोबार जो अब से पहले भाजपा के द्वारा चल रहा था, क्योंकि इनका संरक्षण रहता है ऐसे लोगों का, इनके द्वारा इनको पैसे की, इनके पास में ये चुनाव में इनके साथ में साथ रहते हैं, पैसे की साठगांठ रहती है, इसीलिए उन लोगों को समर्थन करने के लिए इस तरह का ये विरोध कर रहे हैं। ये मैं आपको छतरपुर का बिल्कुल जीता जागती चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास समय हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको वहां पर लेकर चलूंगा उन जगहों पर, मैं लोगों का गलियों में आपको इंटरव्यू दिलवाता हूं। इन लोगों ने छतरपुर के अंदर गली गली में जहरीली शराब जो इंजेक्शन से बनने वाली होती है 25 रुपए 30 रुपए इस तरह की शराब के जगह जगह गलियों में ठेके खुलवा रखे थे, जिसका इनको उस चीज का दर्द हो रहा है कि इनकी जेब की कमाई वो मर रही है, ये उसका विरोध कर रहे हैं, ये किसी आपके और हमारे सुख दुख का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सर ये चीज जो आपने बताया, अभी आपको पता होगा कि एक अभी के जो पड़ोस का एक मेहरौली विधानसभा है, वहां पे जो काफी दिनों से कांग्रेस के जो नेता था महेंद्र चौधरी जी, इनको आप जानते होंगे, वो अभी रिसेंटली यानी कि 16 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया अपने कुछ समर्थकों के साथ, तो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी आप ही के जैसे एक उन्होंने भी बोला इस शराब के ऊपर कि मेहरौली के अंदर 5 साहसी हैं, कई साहसी हैं जो अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे और ये जो है उसको रोकने के लिए इस तरह का प्रक्रिया ये चलाया गया है। तो सर ये बात तो चलो सही मायने मान रहा हूं, चलिए कि अब जो दुकानों पर मिल रहा तो चलो अच्छी शराब मिलेगी, अब पीना नहीं पीना तो लोगों को ऊपर अपना है, को तो उसका अपना स्वतंत्र है कि भाई पी सकता हूँ या नहीं पी सकता उसको अब बोर्डेशन। लेकिन सर पहले एक चीज बताएं, पहले था 25 साल का उम्र, लेकिन अब घटा के सर उसको 21 साल कर दिया, तो ये कितना सही है? देखिए 2-3 चीजें हैं, ये तो हमारे अपने हाथ में है कि पीने वाले को नहीं पीने वाले को किसको पीना किसका नहीं। आप ये जाकर देखिए कि अनजान आदमी जहां पर किसी गली मोहल्ले में जा रहा है उस पे वहां पर कोई बोर्ड तो लग नहीं रहा जहां ये गलत बेच रहे हैं शराब, कि ये शराब की दुकान है, ये आकर पड़ोस में किसी बहन बेटी का घर बजा रहे हैं रात को 12 बजे कि जी शराब चाहिए, कोई बहन गेट खोलती है हमारी, उसके सामने कोई खड़ा होकर कोई लड़का शराब इस तरह की मांग रहा है, ये चीजें कर रहा है, तो ये कितनी ऐसी बात है, ये तो बहुत ही गलत, एक तो हमारे समाज में गलत जो मैसेज आ रहा है। हाँ, ये इन सारी चीजों के लिए बात है कि किसी चीज के लिए, आप एक चीज देखिए, क्या युवा आज की डेट में अब से पहले शराब नहीं पी रहा था? बात है कि गलत चीज को खत्म करने के लिए, और हम अपने बच्चों पर पेरेंट्स वैसे ही सभी ध्यान रखते हैं, कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा शराब पिए, मैं कह रहा हूं जो शराब पीते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे शराब पिए, वो भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है, गलत चीज को खत्म करने के लिए, इस तरह के लोगों को शराब माफियों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एज का जो फैक्टर है वो चीज के लिए उसको पहले भी जवाब दे दिया चुका है कि भाई ये चीजें देखो अपने हाथ में है, अभी भी आप देखते होंगे कि 18-18, 20-20 साल के बच्चे आप जाकर देखिए कॉलोनियों में इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है, तो वो चीजें कम से कम नजरों में रहेंगी, कोई गलत चीजें, ये तो नहीं होगा कि कोई पीकर मर रहा है। आप ये देखेंगे कि आज की डेट में बिहार के अंदर शराब बैन है बिल्कुल, लेकिन अभी मैंने कल भी आपने न्यूज में देखा होगा, सुबह भी मैंने न्यूज में देखा है
कि 25 लोग जहरीली शराब पी कर हमेशा वहां पे एक नहीं मतलब हजारों लोग वहां मर चुके हैं सर। तो चीज जो है कि कम से कम देखो बंद होने के बाद भी वो नहीं मान रहे, तो इस तरह की तो चीजें का सेवन ना करें कि जिसकी वजह से अपनी जान ही गवा दें। नौजवान बच्चे मर रहे हैं, किसी के माँ बाप के जो बच्चे जा रहे हैं, आप ये देखो जवान जवान बहन हमारी विधवा हो रही हैं। इन सारी चीजों को, इस गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए, और आप ये देखिए कि कितने ठेके पहले थे और कितने ठेके आज की डेट में है, ये तो आपके पास में तो पूरी ठेके की तो संख्या बढ़ी है सर पहले से। तो ये जो चीजें हैं, अब आज जो आदमी अब से पहले वसंत कुंज शराब लेने जा रहा था, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं, मैं शराब का सख्त विरोधी हूं, मैं शराब का नशे का बिल्कुल सख्त विरोधी हूं। और आप लोगों के यकीन होगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैंने शराब को भेष बदल कर भी पकड़ा है लोगों को वो करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर। SHO साहब ने भी मेरे से बोला कि इतना रिस्क मत लिया करो त्यागी जी, आपकी जान के ऊपर हमला हो सकता है कभी भी। सासियों की लेडीजों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, 10-12 लेडीजों ने चक्कू से हमला किया, लेकिन मैं कभी भी किसी चीज के गलत चीज से घबराने वाला नहीं हूं। मैं शराब के पूरा खिलाफ हूं, मैं इस चीज के लिए कह रहा हूं। लेकिन बात असली जो चीज है वो ये है कि गलत चीजों को, जिस तरीके से जहरीली चीजें पी पी कर नौजवान मर रहे हैं, जो आज इन इंजेक्शन वाली शराब को पीना शुरू कर देता है, वो 1 से 1.5 साल के अंदर वो बंदा खत्म हो लेता है। कम से कम मैं तो पर्सनली ये कहता हूं कि उन चीजों से बचने के लिए ये चीजें। चलिए, ये तो आपका कहना है कि जो लोग जहरीली इंजेक्शन वाली शराब पी रहे हैं कम से कम वो पी के नहीं मरे। दूसरी चीज है कि अभी आपको पता होगा कि सर कल जो कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ था, और वहां उस मंच से जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए। जैसे आरोप नंबर एक, उन्होंने कहा कि जो पिछले शीला दीक्षित की सरकार में जो एक लाडली योजना होता था, आज के डेट में आम आदमी पार्टी के विधायक वो फॉर्म नहीं देते हैं लोगों को लाडली योजना के लिए। दूसरा उनका आरोप था कि जो राशन कार्ड जो बन रहे हैं वो नया राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा है, राशन भी सही तरह से डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। और जो चीज बीजेपी कह रही वही चीज कांग्रेस भी बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल जी बिल्कुल झूठे वादे कर रहे हैं, पंजाब में कुछ और बोल रहे हैं, दिल्ली में कुछ और कह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि MCD का उन्होंने काफी सारा पैसा नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ कूड़े का ढेर हुआ, मतलब बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो इसके बारे में क्या, और वो दावा कह रहे कि आने वाले MCD चुनाव में हम लोग पूरे दमखम के साथ, यानी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ MCD चुनाव में जीत हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, कांग्रेस ने जितना दमखम अभी 5 राज्यों में लगाया वो पूरे देश को पता है। जितना उनका दमखम, जितना वो लगाते हैं उतना ही उनका दम निकलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो देश को दिया है वो सभी नौजवानों को, पूरे देश को पता चल चुका है कितनी उनकी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कितनी उनकी क्षमता है, देश के बारे में कितनी उनकी क्षमता है, वो सबको बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरा प्रचार किया, पूरी ताकत लगाई, आपको पता है बहुत अच्छी तरह क्या मिला है ना। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, अभी तो नई नई बात है। पंजाब के लिए कह रहे थे कि हम तो ये कर देंगे, उनके सारे शिखर सारे ढह गए हैं। अभी पिछले 2 विधानसभा चुनाव दिल्ली के आपके सामने हैं, 70 विधानसभाओं में जमानत जब्त हुई है उनकी। लेकिन वो ठीक है अपनी तरफ से, ये तो आदमी कोई कहता ही नहीं कि जी हम हार गए, हार तो अभी भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार MCD चुनाव भी आ रहे हैं, वो जनता बता देगी उनको सामने कि किसने किसको क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। अभी 4 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर जो चारों चीजें की हैं वो पिछले 70 वर्षों में एक पार्टी बता दो जिसने इस तरीके से किया हो, जो पिछले सिर्फ 4 दिन में भगवंत मान जी के डिसीजन आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी हो रही है, और अंगूर इनके बहुत खट्टे हैं। ये जनता को बहुत अच्छी तरह पता चुका है कि ये कितने बड़े सेवक हैं, अब सिर्फ इनके मन के अंदर की जो खिसियाहट है वो निकल कर बाहर आ रही है। ऐसा बोले कि कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोमा से बाहर आने की कोशिश भी करे वो तो जनता इंजेक्शन देगी जब बाहर आएंगे ना जी। वो जनता के ऊपर डिपेंड है कि जनता कितना इंजेक्शन लगाने वाली है, उनको कितना नहीं लगाने वाली है, और वो उस बॉडी के अंदर कितनी जान बची है ठीक होने के लिए, नहीं बची है चीज, ये भी तो डिपेंड करता है कि किसी के शरीर में कितनी ताकत बची है जिंदा रहने के लिए। सर, अब हम आते हैं छतरपुर के, जो पहले हमने तो आपके जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हमने बात किया,
अब मेन हम आते हैं छतरपुर के जो विकास का जो मुद्दा है उस पर आते हैं। सर, छतरपुर के वार्डों का हालत बहुत ही खराब है, गलियों में रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, जिस मतलब कि आपको मैं बताऊं कि कुछ यहाँ पे मैंने गली देखा जहाँ पे कहीं पे लोहे का गेट लगा है, कहीं पे गाटर घर है, कहीं मतलब वो उस पर गेट ही नहीं लगा। मतलब स्थिति तो बद से सर बदतर है। और आप जिस अम्बेडकर कॉलोनी की बात कर, वहां तो आप जाके देखिए तो नरक से भी बुरा हालात है उस जगह में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर, कुछ भी डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां से छतरपुर वार्ड से इस समय भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है, ठीक है जी, वो एक एक्सीडेंटल निगम पार्षद है, दो वोट से बेईमानी से चुनाव जीत कर गई हुई है, वो पूरी जनता को पता, सबने न्यूज में देखा, सारी चीजें देखी है। उसके बावजूद जिसको सेवा का मौका मिला, चाहे कैसे भी मिला, वो 5 वर्ष बिल्कुल नदारद रही है। जिस अंबेडकर कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, अंबेडकर कॉलोनी में 2015 से पहले, 2015 में आम आदमी पार्टी पहली बार बनकर आई, उस अंबेडकर कॉलोनी में पानी की व्यवस्था वो आम आदमी पार्टी के आने पर, जो सोनिया बिहार का पानी वो आम आदमी पार्टी के आने के बाद पहुंचा। उस अंबेडकर कॉलोनी में सीवर लाइन का काम पहले से चल रहा था, लेकिन जो काम आगे का है वो आम आदमी पार्टी के उससे प्रोसेस से चल रहा है। अंबेडकर कॉलोनी की जो भी गलियां बनी है वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी के समय में बनी है। लेकिन अब आप ये सोचिए, हाँ, गेट जो आपने गेट बताए, जो गेट थे, ये एक आपको मैं आपको चीज बताऊं कि 2015 में दिल्ली सरकार ने एक मोहल्ला सभाओं का गठन किया था, तो वो मोहल्ला सभा के गठन में जो 11 विधानसभा थी उनमें से हमारी छतरपुर विधानसभा भी थी, तो लोगों ने हाथ उठाकर गेटों के लिए डिमांड की थी। तो मोहल्ला सभा के उस बजट से अंबेडकर कॉलोनी में 11 जगह गेट लगे थे, जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर मंदिर के पीछे शिवानी के, वहां पर भी ए ब्लॉक में भी, और पारे की तरफ भी, और इधर सीजन कैंटीन की तरफ भी, मतलब जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है सभी पर गेट लगे, लेकिन उनकी रखरखाव की जो वो थी वो RWO के हाथ में थी। कोई बात नहीं, कुछ जगह गेट कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई निकल गया, कोई दूसरी चीज चले गए, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी जो जो चीज लोगों ने डिमांड की थी वो सारी चीजें करा कर दी। लेकिन अगर आप रोड भी बना देते हो और रोड बनाने के बाद में उस पर सफाई 3 दिन ना हो, तो वो नया रोड बना हुआ भी बेकार लगने लगता है। जो मेन चीज है वो है डेली साफ सफाई की, नालियों की सफाई की। नालियां जो पुरानी नालियां हैं बनी हुई पहले, वो नालियों की प्रॉपर आज तक पूरे वार्ड के अंदर एक जगह भी नालियों की शिल्टिंग आज तक नहीं हुई है। 5 वर्ष में निगम पार्षद के द्वारा अंबेडकर कॉलोनी में एक नाला है, 2 बूंद अभी बारिश आ जाए तो जो पानी आराम आराम से निकल जाता है, 2 बूंद पानी आते सारा नाले का भी पानी रोड पर आ जाता है। नहीं, उस दिन ही रात को एक कुछ वहां पे कुछ मतलब कि कुछ हादसा हुआ आपस में, होली वाले दिन कुछ लोग खा पी के झगड़ रहे थे, मेरे पास कॉल आया, मैं ही गया तो पूरा कीचड़ से मुझे वो रास्ते में पूरा पानी पानी मिला। वो रात की बात थी, तो तभी मैंने कहा कि खास करके जो विकास का जो दाव है। और दूसरा चीज है सर कि सबसे बड़ी चीज है कि ये इन लड़ाइयों में कौन पीस रहा है सर, आम जनता पीस रहा है, क्योंकि कभी गेंद बीजेपी के पाले में चला जा रहा है, कभी गेंद आम आदमी के पाले में चला रहा है, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है सर, आम जनता कर रही। तो इस तरह का जो विकास का जो कार्य है वो कैसे हो पाएगा सर? देखिए, दो चीजें, आम आदमी पार्टी के पाले में जो आप गेंद बता रहे हो, आम आदमी पार्टी की एक चीज बता दो कि जो काम होने के बाद में उनके ऊपर ये थोपी हो कि भाई ये काम हमारा। देखिए, जो जिसका काम है दिल्ली सरकार के छतरपुर के अंदर ही, आप छतरपुर में यहीं पर आप 60 फुटे पे जाएंगे, एक आचार्य तुलसी बॉयज स्कूल है, एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दोनों स्कूलों में आप देखेंगे बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, स्कूल बने हैं, है ना। यहां पर आप अभी मेरे ऑफिस के बाहर निकलिए, MCD प्राइमरी स्कूल है कॉर्नर पर, है ना, बिल्कुल। जैसे ही आप ऑफिस के बाहर निकलेंगे मैं चाहूंगा एक आप वीडियो वहां की भी बनाना, बिल्कुल कोने के उस गेट, स्कूल के गेट पर, मतलब यहाँ पर गेट से पहले सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो पूरे 24 घंटे कूड़ा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप कूड़े के इसके जैसे इस साइड में देखेंगे नाली है, वो नाली पुराने टाइम की बनी हुई है, 4-4 फुट गहरी नाली है, बिल्कुल ओपन नाली है किसी चीज की, कभी इन्होंने कोई सुध ही नहीं लिया आके। उसमें अगर कोई छोटे छोटे बच्चे, 5वीं क्लास तक के बच्चे जो MCD प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, बच्चे खेलते एक दूसरे को धक्का देते, कई बार ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे बेचारे पूरे अंदर चले गए नाली में, जिनको पकड़ के बड़ों बड़ों ने खींचा है,
वरना यहाँ पर सबसे पहले ये भी हाल हुआ है माता चौक पर, जो 2015 से पहले निगम पार्षद था, उस नाली में गिरकर एक शराब पीकर आदमी गिर गया था, तो नाली में गिरने के कारण नशा किया हुआ था, तो अंदर ही उसकी नाली के अंदर ही मौत हो गई थी, क्योंकि नालियों की प्रॉपर कभी सफाई नहीं हुई है, उन नालियों में ऊपर तक पानी भरा रहता है, नीचे उसके अंदर दलदल होती है पूरी की पूरी। अगर कोई नशे में पड़ गिरा हुआ आदमी या कोई छोटा बच्चा नाली में गिर जाए, धक्का दे दे कोई, तो आप ही बताइए 4 फुट की नाली से छोटा बच्चा कैसे निकल सकता है। ये लोगों ने सिर्फ यहां पर, खासकर मैं छतरपुर वार्ड की बात करूं, तो यहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की निगम पार्षद बनकर आए हैं, वो यहां रहते नहीं है उस एरिया का, उन्हें पता नहीं है, ये वो सिर्फ यहां पर बिजनेस करने और पैसे कमाने के लिए आए हैं, उनका यहां से कोई साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। सिटी में सर पैसे कैसे कमाते हैं, जैसे वो बनकर तो कैसे पैसे कमा रहे हो भाई? ये तो उन्हीं से पूछो, कोई तनख्वाह तो है नहीं। एक आदमी की उसकी मैंने वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले, किसी चीज के ऊपर बात चली थी, कब्जे करवा रहे थे, कर रहे थे उनके लोग साथ के रहने वाले यहाँ पर, क्योंकि इनकी मेन चीजें यही रहती हैं, सरकारी जमीन पर अंबेडकर कॉलोनी में कब्जा कर रहे थे बारात घर की जमीन पर, तो उसके लिए वीडियो डाली थी, उसमें जवाब दे रहा था कि हम तो पैदाइशी रहीस हैं, इतना तेरा सिस्टम है, इतनी तो 20 साल से मेरे घर में गाड़ियां खड़ी हैं, और जब तक निगम पार्षद नहीं बना था उससे पहले की एक वीडियो डाल दी मैंने साथ में भी, उसमें 5 साल पहले ये कह रहा जी मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पे तो 1998-99 में वहां पे उस पे रोड पे बंद रोड पर खड़ा रहता था, 100 रुपए ट्रक से गाड़ियों से मिलते थे, एक तरफ ये कह रहा है कि मेरे को 98-99 में 100 रुपए ट्रक से गाड़ी से मिलते थे, एक तरफ ये कह रहा है 20 साल पहले से हम इतने पुश्तैनी रही है किसी चीज के लिए, तो आप उनसे पूछो ना कि कहां से पैसे आ रहे हैं। ये बात कौन पार्षद जो यहाँ के सिटिंग वो कह रहे हैं? सिटिंग निगम पार्षद है अनीता तंवर, उसका पति रणवीर तंवर, उसने बिल्कुल ऑफिशियल फेसबुक पर डाला है, और वो दोनों वीडियो मैंने फिर फेसबुक पर चलाई है कि ये इसकी पहले की है और निगम पार्षद बनने से पहले की वीडियो, ये निगम पार्षद बनने के बाद की वही वीडियो। इन्होंने जीवन में यह काम कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ यहां इसी तरीके के लिए आए, कहीं जमीनों पर कब्जा करवा देना, वो संरक्षण सारे इन्हीं के लोगों का है, सारा संरक्षण आज तक लीगल बिल्डिंग से भी पैसे लेते हैं, सब कुछ सारी चीजें होती हैं, आप पूरे छतरपुर में जाकर देखिए, टोटल और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यही चीजें बिल्डर माफियों के ये निगम पार्षद हैं, और आप जहां पर भी जाकर देखेंगे ये एक सिंगल गलत एक्टिविटी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि विरोध तो आदमी वो करेगा ना जिसको उस चीज का खिलाफत करनी हो, वो संरक्षण ही सारा उनके द्वारा मिला हुआ होता है, तो ये तो यहां प्रोफेशनल चोर हैं जो यहां पर बिल्कुल सिर्फ इस चीज के लिए आए, आप लोगों में उनको अकेले में छोड़ दो कोई पहचान नहीं सकता कि ये निगम पार्षद है, क्योंकि अभी क्षेत्र में गए नहीं, सच्चाई ये है। तो सर अब आखिरी में जो हमारा सवाल है, नरेश त्यागी जी काउंसलर बन के आते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या प्लान पॉलिसी रहेगा आपका? देखिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं, असली इंसान की पहचान तब होती है जब वो सामने आता है किसी चीज के लिए, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हम 3 मेन मुद्दे होते हैं, साफ सफाई, उसकी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर साफ सफाई प्रॉपर होगी, एमसीडी के पास में एक पूरी वर्किंग 250 लोगों की टीम है हर वार्ड में, कम से कम, उससे मोर देन कुछ भी हो सकती है, एक प्रॉपर उसकी टीम बने हर एरिया के अनुसार, प्रॉपर साफ सफाई हो, साफ सफाई अच्छी होगी तो बीमारियां कम होंगी, छोटे बच्चे, जो हर आदमी गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, किसी की 10,000-15,000 रुपये कहीं से कोई अपने गुजारा भत्ता कर रहा है बेचारा आदमी आकर, तो उसके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेसिक शिक्षा जो आम आदमी पार्टी का पहला उद्देश्य है वो हो कि एक गरीब का बच्चा भी एमसीडी प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आईएएस और आईपीएस बनने का सपना बिल्कुल अपना सजो सके, वो चीज़ होनी चाहिए, हमारा मकसद इस तरह की चीज़ों का है, हम किसी लेंटर माफियों को नहीं उभरने देंगे आने वाले समय में, हमारा मकसद सिर्फ ये है, और यही चीज के साथ कहूँगा कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। तो ये थे हमारे नरेश त्यागी जी, इन्होंने अपनी बातों को रखा, हमारे सवालों के इन्होंने जवाब दिया, और आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो अभी के जो यहाँ के जो सिटिंग जो पार्षद है उन पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ जितने इनलीगल एक्टिविटी होती है उनमें उनकी संलग्नता होती है, उनको बढ़ावा देते हैं, और खास करके जो कह रहे हैं कि जो शराब पर बंदी पर भी उन्होंने कहा कि हर एरिया में दिल्ली के तकरीबन यही नहीं मुझे हर क्षेत्र में जो इंजेक्शन वाली शराब उसको पी के लोग मर रहे हैं, तो सरकार के प्लान पॉलिसी थे, इन्होंने बहुत बेबाकी से भी कहा कि जो
हम विकास, यानी कि तीन चीजों मेन मुद्दे हैं, साफ सफाई और शिक्षा, तो इन चीजों पर ये काम करेंगे। तो इसी के साथ में जो मेरा जो कार्यक्रम है जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि का जवाब, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।